अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद अली रजा। उम्मीद है आप सब लोग हेड ऑफिस से होंगे, और जैसे कि आज यूके की सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। जी तो गाइस, जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है यूके सक्सेस स्टोरीज के ऊपर, और बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अबू धाबी से वीजा अप्लाई किया था एक फैमिली का, जो कि 9 सितंबर को उनके वीजे सबमिट किए थे, और कल ही उनको मैसेज रिसीव हुए, और आज मॉर्निंग में उन्होंने अपने पासपोर्ट रिसीव किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको वीजे मिले हैं। और ये मैं आपको पहले वीजे दिखा दूँ, ये 3 वीजे हैं, ये हस्बैंड का है, वाइफ और साथ उनका एक बच्चा है, ठीक है। ये 3 वीजे अप्रूव हुए हैं, ठीक है। और बात यह है कि इनका जो था प्रोफाइल, हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते थे, ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी वो उनके स्पॉन्सरशिप में थी, हाउस वाइफ, ठीक है, और उनका 2 साल का बेटा था, और जो वाइफ थी वो फ्रीलांस जॉब भी करती थी साथ, ठीक है। और अभी रिसेंटली उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी, वैसे उनका वीजा तकरीबन 5-6 महीने पहले का था अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप पर, ठीक है। और जो हस्बैंड हैं वो भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 5-6 साल से, और इनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी नॉर्मल ही था। और जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थी कि इनकी बैंक स्टेटमेंट हस्बैंड की और वाइफ की, ठीक है, इनकी बैंक स्टेटमेंट जो थी, इनकी बैंक स्टेटमेंट में सैलरी के अलावा भी एक्स्ट्रा क्रेडिट थे, ठीक है, हर मंथ 2-3 इस तरह। तो बट उसको भी जितने अच्छे तरीके से मैंने प्रिपेयर किया और उनकी फाइलें सबमिट करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके वीज़े इनको ग्रांट हुए, और ऐसे केस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, जबकि आपको खुद भी मालूम है और मैंने भी अपनी कितनी वीडियोस में आपको मतलब अपडेट किया है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेके सीरियस चलिए, अगर बैंक स्टेटमेंट में 1-2 भी ट्रांसेक्शन है तो वीज़ा यूके वीज़ा नहीं देता। पर इस पर भी अगर आपकी ट्रांसेक्शन एक्स्ट्रा जेन्युइन है, उनका रीज़न एक्सप्लेनेशन आपके पास है, तो उस पर भी आप अपना रिस्क ले सकते हैं, अपना वीजा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छे तरीके से, बात वहीं पर आ जाती है, अगर अच्छे तरीके से आपने अपनी फाइल प्रोसेस की है, ताकि वीजा ऑफिसर को आपकी हर चीज की समझ आए कि ये क्या है, वो क्या है, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया, हर चीज जब आप वीजा ऑफिसर को समझाने में कामयाब हो जाएंगे और इस चीज पे उसको एग्री कर लेंगे कि हाँ भाई मैं वापिस भी जरूर आऊंगा, तो 100% सभी कंट्रीज आपको वीजा देती है, ठीक है। वीजा अम्बेसी में जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो पर्सनली कोई भी आपको नहीं जानता, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो आपके हक में बोलते हैं, और जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे फिर उतने अच्छे चांसेस होते हैं आपको वीजा हासिल करने में। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से मेंटेन या सबमिट की हो तो वीजा जरूर मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे कि अपनी लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपकी सैलरी है, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी आ रही है, और आप अगर 4-5 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए सबमिट करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि अपना सैलरी ही क्रेडिट हो। जरूरी नहीं है कि अगर 3 से 4-5 एक्स्ट्रा भी हैं क्रेडिट और उनका आप एक्सप्लेनेशन भी दे दें फिर भी आपको वीजा मिल जाए, ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। बट आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करनी है कि अपना सेफ साइड चलें और अपनी हर चीज को अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और जहां तक बात करेंगे भाई की ट्रेवल हिस्ट्री की, तो भाई ने ऑलमोस्ट 5-6 कंट्रीज का ट्रेवल किया हुआ था, नॉर्मल कंट्रीज से, और उनके साथ इनकी वाइफ ने भी 2 कंट्री का ट्रैवल किया हुआ था, और इनका जो चाइल्ड है उसका 1 कंट्री का ट्रैवल था। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी नॉर्मल थी, बैंक स्टेटमेंट्स भी इनकी नॉर्मल थी, बट उनका वीज़ा अच्छे तरीके से प्रोसेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीज़े ग्रांट हो गए हैं, ठीक है। और अभी ये यहाँ पर ट्रैवल करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह फर्दर इनका आयरलैंड का भी अप्लाई करेंगे। और ये भाई ने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया था, और इन्होंने मुझे यही कहा था कि आपका नंबर मुझे किसी भाई ने दिया है, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आपसे मैं वीज़ा अप्लाई करवाऊँ, और आई डोंट नो कि किन भाई ने इनको मेरा नंबर दिया, और उसी ट्रस्ट के ऊपर इन्होंने मुझसे फाइल प्रोसेस करवाई, और फिर इससे कोई मुलाकात नहीं हुई, ना हम कभी मिले हैं, और जस्ट ये अबू धाबी में रहते हैं और मैं दुबई में रहता हूँ, वहीं से इन्होंने सारा अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप पर भेजे, पेमेंट वगैरह भेजी, और मैंने इनका सारा प्रोसेस किया, इनको अप टू डेट हर चीज़, इनकी इंक्वायरीज, इनकी डिस्कशन, सब चीज़ें साथ साथ रहीं, और इनके उसी के साथ इनके वीज़े भी सबमिट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह
16 डेज के बाद इनको पासपोर्ट रिसीव हो गया है और उनको वीजे भी मिल गए हैं और बहुत खुश हैं ये फैमिली आज। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी अपना यूके का वीजा हासिल कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और जहां तक आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप खुद भी अप्लाई कीजिए, और अच्छे तरीके से अगर खुद अप्लाई कर सकते हैं तो जरूर अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए। और जहां तक वीजा एप्लीकेशन है, जहां तक बैंक स्टेटमेंट है, जहां तक यूके की रिक्वायरमेंट है, सब चीजों की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग अच्छे तरीके से अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हैं तो जरूर आप खुद अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग मुझसे भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो 899 dirhams मैंने टोटल एक यूट्यूब में से जो लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं उनके लिए एक मैंने स्पेशल पैकेज रखा हुआ है, ठीक है। इस 899 में मैं आपका पूरा वीजा फॉर्म, आपका वीजा फीस, आपके VFS अपॉइंटमेंट, आपकी SMS सर्विस और आपकी अपलोडिंग, आपकी फर्दर मुकम्मल फाइल प्रोसेसिंग जिसमें आपकी होटल बुकिंग, एयर टिकट रिजर्वेशन कवर लेटर, डेट टू प्लान, एवरीथिंग इंक्लूड होता है 899 में। आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, आपने पेमेंट प्रोवाइड करनी है और आगे सारा काम मेरा होता है। मैं आपको सारी चीजें प्रोसेस करके देता हूँ, फाइनल करके आपको अपॉइंटमेंट लेटर देता हूँ। आपने VFS में जाना है, अपना वीजा सबमिट करना है और अपने वीजे का वेट करना है। और ये थी आज की एक वीडियो यूके सक्सेस स्टोरीज, और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन फ्यूचर ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।